अगस्त के महीने में जब सत्ता का हस्तांतरण हो रहा था, पूरे अगस्त यूरिया की लूट हुई है और बिहार का प्रत्येक किसान त्राहिमाम कर रहा था। 700 रुपये 800 रुपये में बिहार में यूरिया बिका है और जिस प्रकार से कृषि विभाग के अफसरों ने होलसेलर्स के साथ मिल करके यह पूरा नेक्सस चलाया था, सुधाकर सिंह जी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। नीतीश जी की सरकार में अफसरशाही का चरम बोलबाला है। नीतीश जी कभी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अफसरों के खिलाफ बोले। और यह जो गठबंधन है, मैं शुरू से कहता हूँ, केवल दो सुविधा का गठबंधन है। एक, जदयू में जो PFI के अफसर हैं उनकी मिलीभगत, राजद में जो सपोर्टर है PFI के उनके साथ है, पहला गठबंधन इसका है। और दूसरा गठबंधन है कि नीतीश कुमार जी रोज इंतजार करते हैं कि कब तेजस्वी यादव जी जेल जाएंगे और मैं राजद को अपने में समाहित कर लूंगा। वही तेजस्वी यादव जी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अब तो मुझे केवल एक विधायक की जरूरत है और मैं कभी भी सरकार बना सकता हूँ। मैं अपने सारे कामों को, अपने जो मेरे ऊपर आरोप है, चूंकि नीतीश जी की है कि फंसाते वही हैं बचाते भी वही हैं, तो उनको लग रहा है कि सारे सबूत मेरे गुनाह के नीतीश कुमार और ललन सिंह ने दिया है, तो मुझको वह बचा ले। और यह केवल गठबंधन सुविधा का, और इसमें बिहार की जनता पिस रही है। जिस प्रकार इन्वेस्टर मीट के दिन 1000 गोलियां चली और SP कहता है कि इस तरह की घटना नहीं घटी है, और जब दो लाशें गंगा में मिलती हैं, 5 का पता लग जाता है कि इतने लोगों की और हत्या हुई है, तो भी आज बिहार सरकार चुप है। हम देख रहे हैं कि किस तरह से कैदी 2005 से पहले की तरह जेल में रंगरेलियां मना रहे हैं, किस तरह से कैमूर में हमारी बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, किस प्रकार से जिस दिन ये होता है उस दिन सम्राट अशोक के शिलालेख पे ताला मार दिया जाता है कि कोई देख नहीं सके। यह सब बता रहा है कि सरकार का अफसरों पर नियंत्रण पूरे तरह से समाप्त है। अफसर सोच रहे हैं कि जितना लूटना है बिहार को लूट लो, और इसी कार्य में सारे अफसर और सारा विभाग लगा। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।